मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें पंजाब के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया के समक्ष भगवंत मान ने मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी, किसानों की फसल को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। सीएम मान ने कहा कि पंजाब में धान की खरीद के लिए उसे आपको बता दें कि सेलर और मिल तक पहुंचाने के लिए मिलिंग पॉलिसी पूरी तरह से डिजिटल होगी। मिलिंग प्रक्रिया की ट्रकों पर जीपीएस और बिजली मीटर से निगरानी होगी। धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बाहर से धान लाकर यहां नहीं बेचने दिए जाएंगे। आपको बता दें कि जिसके साथ ही सीएम मान ने कहा कि 2 से 4 टन वाले मिलर को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाएगा। कई बार बड़े मिलर ज़्यादा खरीद कर लेते हैं, लेकिन हम सबको बराबर का मौका देंगे। बारदाने के लिए ट्रांसपोर्ट से पहले एग्रीमेंट करेंगे। पहले यह काम फसल खरीद शुरू होने पर किया जाता था। इसके अलावा सीएम मान ने कहा कि मंडियों में एक नया फूस माफिया पैदा हो गया है। मंडियों में धान बिक्री के बाद बचे खुचे सामान को अब आसपास के लोग भी खरीद सकेंगे। वह उसके दाने खरीद कर रोजी रोटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उन्हें सफाई करनी होगी। इसका टेंडर किसी को भी नहीं दिया जाएगा। पंजाब कैबिनेट की बड़ी अहम बैठक हुई जिसके विच पंजाब दे लोगों के पक्षी काफ़ी फैसले हुए हैं, मोहर लगी उन्होंने। एक तो मिलिंग पॉलिसी जी है वो फाइनल की गई है। 1 अक्टूबर तो झोना जोड़ा है वो मंडिया के ऑफिशियल खरीद शुरू हो जाती है। उस झोने उस जीरी किमें मिल तक लेके जाना है, किमें शैलना तक लेके जाना है। पॉलिसी है टोटली डिजिटल पॉलिसी बनाई है। जो ट्रक ने उन्होंने जो बोरियां लेके जाएंगे उन्होंने जीपीएस सिस्टम लग्या होगा। मंडी चो निकल वेले गेट ते उहदी फोटो होगी, वो फोटो की टाइमिंग जीपीएस की टाइमिंग मैच करनी चाहिए है। वो जो फोटो तो टाइमिंग मैच करूगी तो ही वह जो ट्रक है वो शैलर के एंटर होगा, ताकि जेडे इधरों उधरों ट्रक आते हैं बहरले सूबे चो ट्रक आते हैं जी इलीगल तरीके उ खरीद करके इतने सरकारी खरीद के बेचते हैं, वो खत्म किया जा सके। इस तो अलावा छोटे जिहड़े मिलर ने 2 टन 3 टन 4 टन उन्होंने ज़्यादा बेनीफिट दिता गया। कई बार बड़े जिहड़े ने वो बहुत ज़्यादा खरीद लेंदे ने, तो छोटे जिहड़े ने वो अपने रह जाते हैं पिछे। पर असी इस बार सारयां नूं बराबर का मौका देवांगे। बिजली के जिहड़े उन्होंने मीटर ने उन्होंने ESECL नाल असी डिजिटली जोड़िया। असी ये गैस ये अंदाज़ा लाया कि 1 टन झोने की मिलिंग करने वास्ते कितनी बिजली खपत होती, जदों सानू ये पता है कि उहदे कोल इन्ने टन झोना है तो उहदा इन्ना बिल आना चाहिए, इन्ना मीटर चलना चाहिए। जे मीटर ज़्यादा चलता है इहदा मतलब उन्हें एक तो इधरों उधरों झोना लिया, तो वो सख्त कार्रवाई का भी इस पॉलिसी के प्रावधान है। तो पंजाब कैबिनेट की बैठक में मिलिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई। इस पर अहम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमनप्रीत कौर चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। अमन, जिस प्रकार से पंजाब सरकार ने मिलिंग पॉलिसी को मंजूरी दी है, इससे कितने किसानों को फायदा होगा और क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, जो पॉलिसी को इन्होंने फायदा दिया है, इससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि जो डायरेक्ट ट्रेक बिजाई है या डायरेक्ट जो चीजें जानी है वो बिल्कुल सही होंगी। और सरकार ने बोला है कि पारदर्शिता रहेगी और सरकार पहले दिन से हर मुद्दे को लेकर साफ तौर पे कह रही है कि चाहे कोई भी पॉलिसी आए, चाहे धान की बात की जाए या फिर जो आज मीनिंग पॉलिसी की जो उन्होंने बात की, तो वो हर चीज में पारदर्शिता को लेकर ही चीज कर रहे हैं। और यहाँ तक उन्होंने ये भी बात बोली है कि हम पूरी से GPR सिस्टम लगाएंगे ताकि कल को अगर कोई चीज अगर ऐसी होती है या कोई धांधली होती है तो तुरंत तौर के ऊपर उसको पकड़ा जाए। सो इसके लिए एक बड़ा कदम जो सरकार की तरफ से उठाया गया है।
इसके साथ ही साथ जो सरकार ने भी एक बात कही है कि जो 15 अगस्त है यानी कि जो 15 अगस्त की वर्षगांठ है उसके ऊपर कई महिलाओं को जो रिहा किया जाएगा जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है, फिर जिनकी बहुत अच्छी जो एटीट्यूड रहा है इस सजा के दौरान उनका सारा सब चीजें बिलिंग रही है तो उसको भी छोड़ा जाए। तो और भी जो महिला टीम की बात आ रही वो भी खोले जाएंगे, इसके साथ ही उन्होंने जो कुछ पदे भी जो उन्होंने खाली करे हैं उसके ऊपर भी चर्चा की गई है आज की मीटिंग में। और सब कमेटी में जो 36,000 मुलाजिम है उनको पक्का करने को लेकर जो कानूनी पेचीज है उसके ऊपर बात करके भी तमाम चीजों के ऊपर आज जो की है आज की जो कैबिनेट मीटिंग में बैठक में बात की गई है। लेकिन अमन जिस प्रकार से देखा जाए पूरी जो मीटिंग चली काफ़ी देर तक मीटिंग हुई इसमें पूरा जो फोकस था वो धान की खरीदी को लेकर था, तो धान की खरीदी को लेकर जो फैसला लिया गया इससे किसानों को कितना फायदा हो सकता है? देखिए सरकार पहले दिन से ये पूरे तत्पर है कि किसानों को पूरे तरीके से देना है, किसानों को पूरी तरीके से पारदर्शिता करना। जाहिर है अगर इस तरीके की चीजें जो पॉलिसी बनाई गई है तो किसानों के फायदे के लिए बनाई गई है और किसानों के लिए अगर जो चीजें बीच में अक्सर देखने को मिलती थी वो चीजें बीच में नहीं देखने को मिलेगी। डायरेक्ट वो सब चीजें जब होंगी बीच में अलग सिस्टम लगा दिए जाएंगे तो चीजें पारदर्शी भी होंगी, किसानों को उसका बहुत ज्यादा फायदा जाहिर है मिलेगा इस मतलब। और एक बात खास बात कही कि 2 से 4 टन वाले जो मिलर हैं उनको भी बराबर का फायदा दिया जाएगा, वो भी बराबर खरीद सकेंगे, तो इससे जो छोटे मिलर हैं क्या उनको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है? बिल्कुल, जाहिर है सरकार चाहती है कि चाहे प्राइवेट है चाहे सरकार हर किसी को बराबर का दर्जा दिया जाए और हर और जो कि सब चीजें प्रॉपर तरीके से और सबसे बातें करनी हो तो जाहिर है कि इस चीज में उनको भी फायदा होगा चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, लेकिन हौसला अफजाई के लिए एक बड़ी चीज जरूर देखी जा रही है। लेकिन साथ में एक और डिसीजन लिया गया है कि जो बचे कुछ धान की जो भी फसल वहाँ पे बिक्री के लिए मंडी में जाएगी अगर बच जाएगी वो उसको खरीदी के लिए आसपास के लोग उसको खरीद सकते हैं, वो भी अपना मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि बस वो गंदगी ना करे वहाँ पर। देखिए ये तो पहले दिन से ही सरकार कह रही है, कुलदीप धारीवाल की जब अभी किसानों के साथ बीते शुक्रवार जब मीटिंग हुई तो उसमें भी इस विषय के ऊपर चर्चा की गई थी, उस विषय को कुलदीप धारीवाल ने कहा था कि वो कैबिनेट में इस मसले को लेकर आएंगे। तो जब ये सारा मसला बात कैबिनेट में रखा गया है जाहिर है उसके ऊपर पॉलिसी के साथ बातचीत कर ही ये सब चीजों के जो फैसले लिए गए। चलिए अमन जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमन।